क्वेश्चन नंबर टू द पोम नंबर इज टेकिन फ्रॉम लेटर टू मार्ता अब कौन सी नंबर की पोम ली थी लेटर टू मार्ता ना लेटर टू मार्ता एक कंबाइंड फॉर्म में एक लेटर है जहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग पोम में लिखी हुई हैं तो कौन सी नंबर की पोम है 17, 18, 19, 20. तो ये आपको समझना होगा कि ये पोम है 17 नंबर की क्वेश्चन नंबर थ्री है हु वॉज बेस्ट नॉन फॉर इज कैंपेन टू हैव साउथ अफ्रीका बैंड फ्रॉम द ओलंपिक गेम्स ड्यू टू इट्स रेशियल पॉलिसी ऑफ अपारथाइट अच्छा अब कौन अच्छी तरीके से जाना जाते हैं फॉर इट कैंपेन कैंपेन किया था टू हैव साउथ अफ्रीका बैंड फ्रॉम द ओलंपिक गेम्स इनको क्या करा गया यहाँ पर साउथ अफ्रीका को बैन किया गया था ओलंपिक गेम्स से क्यों क्योंकि वो एक रेशियल पॉलिसी थी अपारथाइट के लिए तो उसमें कौन था किन को जाना गया बहुत अच्छे तरीके से अपने कैंपेन के लिए डेनिस हैं महात्मा गांधी हैं नरेंद्र मोदी हैं या नफ़ द अबाउट इसका सही आंसर है डेनिस आप इसको Dennis भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है।, है स्थान के बारे में आप डायरेक्टली भी ऐसे समझ सकते हो है ना कि यहाँ पर 1990, 1990, 1990 दिया है अब आपको सिर्फ याद करना है कि 1934 होगा, 1924 होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो है 1934 आप इस बात को याद रखिए नोट डाउन करके रखिएगा इससे क्या होगा आपको जानकारी प्राप्त होगी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजल सेग्रीगेशन दैट एग्जिस्ट इन साउथ अफ्रीका एंड्रीका फ्रॉम सिक्सटीन फोर्टी एट टू अर्ली नाइनटीन अच्छा अब एक कौन सा सिस्टम था जो 1948 से 1990s के समय में चला था साउथ वेस्ट अफ्रीका की बात हो रही है नाम्बिया की सिस्टम है अपार्थाइड ये लिबरलिज्म कम्युनिज्म इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है अपार्थाइड सिस्टम सिस्टम एक था है ना क्या करा इंस्टीट्यूशन रेश, सेग्रीगेशन का है ना जो कहां पर एग्जिस्ट था साउथ अफ्रीका में तो इसी के कहीं ना कहीं प्रोपोनेंट थे कौन इस पोम के राइटर हमारे डेनिस ब्रूटस क्वेश्चन नंबर सिक्स whose parents moved back home to, to port elizabeth when he was aged 4 किनके पेरेंट्स जो थे वो पीछे चले गए थे घर की ओर है ना टू पोर्ट एलिजाबेथ व्हेन ही वाज एज 4 जब वो चार साल के थे एंड यंग ब्रूटस वाज क्लासिफाइड अंडर साउथ अफ्रीकास अपार्थाइड रेशियल कोड एज कलर ना? अब देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी इसी में ही दिया हुआ है अब आपको देखना है कि आंसर कैसे थोड़ा है आपको समझ में आ जाएगा कौन है इसका है, यीटस है, यीटस है, है, इसका सही सही आंसर आंसर क्या होगा इसका सही है डेनिस साल की उम्र में चले गए थे है, अच्छा, अब जो है, वो एक एक्टिविस्ट है किसके अगेंस्ट अपार्थाइड गवर्नमेंट के साउथ अफ्रीका में कब से लेकर कब तक अब यहाँ पर इयर्स आपको बताना है 1950 से 1960, 1980 से 1990, 1940 से उन्नीस किस समय में या नन ऑफ द अब आपको टाइम पीरियड बताना है इसका आंसर 1950 से 1960 के समय की बात चल रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट है ही वॉज द ऑथर ऑफ अच्छा वो कौन सी बुक के ऑथर थे ना कितने सारे किताबों को उन्होंने लिखा है अभी तक ना कितनी किताबें चौदह पंद्रह सोलह या अट्ठारह सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर है, है, थोड़ा बड़ा लेकिन बहुत है। ओलंपिक रोक या अरेस्ट कर लिया गया था 1963 में ठीक है लिए कि वो मिल रहे थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफिशियल से उनको आरोप लगाया गया वॉज अक्यूज ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ इस बैनिंग उनको बैन किया गया था लेकिन उसके बावजूद वहां पर आए

बाई साउथ अफ्रीकन डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर है ना फॉर इज़ लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू अफ्रीकन एंड वर्ल्ड पोएट्री एंड लिटरी आर्ट्स है ना किसके लिए लट्ररी आर्ट्स के लिए है ना अब देखिए यहाँ पर क्या होता है डी स्टूडेंट्स कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं जैसे आपने फिल्मे में अवार्ड सुना होगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगाई तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है ब्रूटस को अवार्ड दिया गया कब दिया गया उनको यह अवार्ड है ना फॉर इस लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन उन्होंने पूरी जिंदगी डेडिकेटेड होकर काम किया किसके लिए अफ्रीकन और वर्ल्ड पोएट्री के लिए है ना और उनकी लिटरेरी आर्ट्स के लिए तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा 2008, 2009, 2007 या 2010 सही आंसर दो तो माई डियर स्टूडेंट इसी के साथ हमारा यह वाला सेशन ओवर होता है एक और अन्य जानकारी सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक है थीके? आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है माई डियर स्टूडेंट्स ठीक है और एक बात और आपको अगर बुक और ई बुक पढ़नी है तो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ठीक है और हम आप सभी को हमेशा 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं ठीक है शेयर स्टूडेंट्स तो इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद